दो दिन रह गए ना हमारे निकाह में, समुंदर बने हुए हैं, इस सारा पानी से भरा हुआ है। अभी तो मैं आई नहीं हूँ, जब मैं आऊंगी तो फिर इतने परेशान हो जाओगे। विद में मैंने ज्यादातर ये देखी है, ये चीजें ज्यादा जरूरी होती हैं। इतना ग्लो है क्या? वैसे ही ग्लो है, मेरा निकाह है और और एक मेरी बेगम का डब्बा भी स्पेशल होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैंने जाना है अपनी चीजें लेने, आज मैंने लाजमी अपनी चीजें खत्म करनी है क्योंकि सिर्फ दो दिन रह गए हैं हमारे निकाह में और मेरा भी काम पूरे नहीं हुए, ठीक है। और इकरा के सामान आई जा रहे हैं, अभी भी एक पार्सल आया, अभी मैंने जाना उसका वो पार्सल देने। मैंने अपने शूज देने जो मैंने अपने ड्रेस के नीचे पहनने हैं, ठीक है। और मैंने अपनी कटिंग वगैरह कल करवा ली थी, शुक्र है टाइम निकल आया था। बाकी भी जाते हैं, निकलते जल्दी जल्दी और जाके सारे काम खत्म करते हैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और हमने आके वापसी आके पैकिंग भी करनी है, फिर बॉक्सेस भी बनाने हैं। आज वाला दिन जो है ना बड़ा एंटरटेनिंग होने वाला, काम ही काम है। तो आइए चलते हैं एकरा की तरफ, आ जाकर उसको बॉक्स देते हैं जो उसका पार्सल आया। एक तो इसका सामान नहीं खत्म होना, इतना सामान। अभी जल्दी से जाते हैं, इसको सामान देते हैं, इसका वो बॉक्स देते हैं, फिर वहां से निकलते हैं शूज लेने जाते हैं, फिर वहां से निकल के शूज लेने जाऊंगा, फिर वहां से वापस आके बिग बॉक्सेस वगैरह बनाएंगे। हमारी चीजें आ गई, ये सब कुछ बाहर पड़ा हुआ, वो मैं जब वापस आऊंगा तो फिर आपको दिखाऊंगा। लेट्स गो। ये देखे रूम में कितना गंद हुआ हुआ है क्योंकि अभी बेसिकली हमने आके पैकिंग भी करनी है, हमने रात को निकलना है तो इसलिए सारा सामान वगैरह निकाला हुआ है, वो आके पैकिंग भी करेंगे। अगले आने वाले 3-4 दिन में मैंने व्लॉग डालना है रोज, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। चलाएं अभी निकले। ये देखें ये डब्बा है, ये अब लेके जाना है एकरा के पास, अब ये लेके जाना है, ये जाके छोड़ना है एकरा की तरफ और फिर वहां से हम निकलते हैं। सो गाइज, हम निकल गए हैं एकरा के घर के लिए। आज पूरा दिन बारिश हुई है, यानी कि रात की बारिश हो रही है और अभी तक 2 बज गए लेकिन बारिश खत्म नहीं हुई। इतनी तेज बारिश हो रही थी। ये देखिए पानी पानी हुआ हुआ हर जगह। अभी हल्की हुई थी बारिश तो मैंने कहा निकले अभी काम वगैरह कर ले। ये देखिए समुंदर बने हुए हैं, इस सारा पानी से भरा हुआ है। आज रात को इंशाल्लाह हमें निकलना है अपनी डेस्टिनेशन के लिए जहाँ पे हमारा निकाह है। बस अभी चलते हैं एकरा की तरफ, जाके उसको बॉक्स देते हैं और फिर निकलते हैं आगे। तो गाइज हम गए हैं पहुंच के की तरफ, ये सामान निकालते हैं और फिर चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? I'm good, I just woke up. मुझे सरप्राइज मी विद दिस पार्सल, क्या मेरे से लाया? मुझे ये बताओ कि ये कौन सा सामान है जो तुम्हारा खत्म ही नहीं हो रहा, सामान पे सामान। ये आ गया आपका ये पार्सल, ये आपने रात को पिक करना था? मैं रात को पिक कर लिया, सुबह लेके आया हूँ। ओके। ये क्या सामान है जो खत्म ही नहीं हो रहा, मुझे बताओ ना। ये इसमें मेरे और आप, अभी तो बड़ी पार्टी शुरू हुई है, अभी तो मैं आई नहीं हूँ, जब मैं आऊंगी तो फिर इतने पार्सल परेशान हो जाओगे। तो ये तो पहले, ये भी हमारी जो आगे ढोलकी शुलकी करनी है उसकी तैयारियों की सामान है। मैं अब जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने जाना जूते लेने, बहुत काम है। आप मुझे पहले जूतों की पिक्चर्स भेजेंगे, आपका जो ड्रेस मैंने सेलेक्ट करा हुआ है उस ड्रेस के अकॉर्डिंग अगर वो जाएगा तो फिर ना। इसने मुझे ड्रेस देखने दी है, अब जूते भी नहीं मेरे पसंद के, कटिंग भी मेरी जबरदस्ती इसने करवाई की। मैं कह रही हूँ की ऐसी कटिंग करवाओ क्योंकि मैंने जो ड्रेस सेलेक्ट किया उसके हिसाब से ये कटिंग सबसे अच्छी लगी। लड़कों की कटिंग का कोई पता नहीं चलता, साइडों से गंजे होके आ जाते हैं, इतने बुरे गजरी लग रहे होते हैं, कहते हैं ओ माय गॉड ये कपड़े ना पसंद है मुझे, मैं फिर बताऊंगा। चलो मैं अब निकलने लगा हूँ, मैंने जूते लेके आने हैं, मैंने बाकी काम वगैरह बिग बॉक्सेस वगैरह बनाने हैं, चीजें वगैरह करनी है, वो सब आ गया। बॉक्सेस का सामान आ गया? हाँ सब आ गया, बॉक्सेस बॉक्सेस भी आ गए हैं। बस अब मैं निकल रहा हूँ, ठीक है, फिर मुलाकात होती है। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सो गाइस यहाँ से निकलते हैं अब और जाते हैं जूते लेने के लिए, लेट्स गो। सो गाइज मैं यहाँ से फ्री हो गया हूँ, सारे अपने अपने काम लगे हुए थे तो ज्यादा व्लॉग नहीं बन सका यहाँ पे, तो अब चलते हैं जूते लेने, फिर वहाँ जाकर आपको जूते दिखाते हैं, लेट्स गो। सो गाइस ये शूज वाली शॉप में आ गए थे और इकरा को मैंने 500 जूते दिखा दिए इनमें से, लेकिन इकरा को कोई पसंद नहीं आ रहा। अब एक पसंद आया मैं, इस टाइप का है वो, तो वो उसका साइज मंगवाया है, तो आता है वो ट्राई करते हैं फिर देखते क्या है। ये ट्राई करते हैं फिर देखते हैं इकरा को पसंद आता है कि नहीं आता, पिक्चर भेजिए उसको, देखो उसको पसंद आ जाए। कोई 500 जूते दिखाने के बाद इकरा को जूते पसंद आ गए हैं और अब मैं जूते ले लिए हैं और मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ से हम जाएंगे घर, घर जाके हमने करनी है सारी पैकिंग और हमने बनाने हैं बिग बॉक्सेस, लेट्स गो। सो गाइस मैं घर आ गया था, शूज वगैरह ले लिए, चीजें वगैरह डन हो गई हैं, बस अब जल्दी से बिथ के बॉक्सेस पैक करने हैं, उसके बाद हमें अपनी पैकिंग करनी है और रात को निकलना है, ठीक है। अभी मैं और मेरा पार्टनर जो है वो स्टार्ट करेंगे, बाकी मेरे तो और पार्टनर भी आ रहे हैं। ये है मेरा पार्टनर, पार्टनर अभी टीवी देखने में बिजी है, कोको मेलन लगा हुआ है। हर घर में जितने बच्चे है उनको पता है ये कोको मेलन क्या चीज है, 24 घंटे बस ये लगी रहती है। घर पे मेहमान वगैरह भी आना स्टार्ट हो गए हैं, बहनें भी आ रही हैं, तो बस जल्दी से चीजें वगैरह स्टार्ट करते हैं, पैकिंग करते हैं और फिर निकलते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बॉक्सेस बने हैं और क्या क्या चीजें हम लेके आए हैं। सो गाइस ये डब्बे वगैरह हमारे सारे आ गए हैं, चीजें भी आ गई हैं ये, और अभी और चीजें आ रही हैं, बाकी सारी चीजें ये नीचे हैं। अभी ये डब्बे सारे फिल करने हैं, इनमें सारी चीजें डालनी है, तो फिर साथ साथ फिल करते हैं, साथ साथ बताते रहते हैं। ये चॉकलेट्स वगैरह हैं, बाकी ये सुपारियां वगैरह और ये चीजें हैं, ये ज्यादा जरूरी होती हैं मेरे ख्याल से। बिद में मैंने ज्यादातर ये देखी है, ये चीजें ज्यादा जरूरी होती हैं, ये तो बस अभी शशका ही है ताकि जरा विद अच्छी लगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं, आ जाओ यार सब, सब मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, सारे हेल्प करो मेरी, चलो चले जल्दी सब आ जाना यार, स्टार्ट करें, बहुत टाइम हो गया है। ये फेशियल करा है क्या? क्या मतलब फेशियल करा है? इतना ग्लो आ रहा है क्या? वैसे ही ग्लो है, मेरा निकाह है और
फेशियल करा के ग्लो आएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं, चीजें वगैरह आ जाए, अभी जल्दी से करें स्टार्ट, ठीक है। तो इसको खोलते जाते हैं, सासा बनाई जा रहे हैं हम लोग। ये नहीं, ये दो दो डाल देते हैं हम। चलो इसी बहाने भाई काम कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई उनकी शादी पे हम लगे हुए थे, हमारी शादी पे अब वो कर रहे हैं। भाई जान जल्दी जल्दी करें काम। तीसरा हेल्पर भी आ गया, शाबाश शाबाश, उठाओ इसको और इसको इधर रखो और डब्बा खोलो, चलो शाबाश। ये उठाया और इतना गुस्सा। ये चाची को मैं शिकायत लगा दूंगा कि काम नहीं कर रहा। हमारे बिद को डाकू पड़ गए हैं, डाकू। सो गाइस ये हमने अब डब्बे पूरे सजा लिए हैं, ठीक है। अब इसको हम भरना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। चले भाभी स्टार्ट हो जाए जल्दी जल्दी। अच्छा भाभी हम ना ऐसा करेंगे कि हमने तीन चार डब्बे जो है ना स्पेशल बनाएंगे, उसमें ना ज्यादा ज्यादा चीजें डालेंगे, देखते हैं वहाँ पे किसके पास वो चीजें जाती है, ठीक है। और एक मेरी बेगम का डब्बा भी स्पेशल होगा, होने वाली बेगम का भी डब्बा स्पेशल होगा। देखो यार बनता उसका तो बनता ना। स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। और वो डब्बा बनाएगा ये चाची के लिए, डब्बा ये बनाएगा, ठीक है। काकू हमें बहुत तंग कर रहा है, ये हमें काम नहीं करने दे रहा है। ये देखिए सारे बिट बॉक्स ना उठा रहा है, फेंकी जा रहा है। तो अब बस जल्दी से फिल करते हैं इसको, फिर वापस आते हैं। ये देखिए ये हमें काम करने नहीं दे रहा, सारी चीजें फेंकी जा रहा है। ना करो रोहान, रोहान तंग कर रहे हो आप हमें, बाबा ये तंग कर रहा है हमें। देखिए फिर ट्राई करने आ रहा है। नहीं रोहान नहीं, बस बेटा बस नहीं। तो हमारा डाकू जो है वो भेस बदल के आ गया है और उसने चाची की बिद पे अटैक कर दिया। खा भी नहीं रहा, नीचे फेंकी जा रहा है। क्या करी जा रहा है तू, क्या करी जा रहा है? थैंक यू करके दिखाओ सबको, थैंक यू करके दिखाओ। आज मूड में नहीं है, वरना थैंक यू करता है। सो गाइज ये हमारे बिद बॉक्सेस तैयार हो गए हैं सारे, हमने भर भर के चीज डाल दी हैं। ये स्पेशल बिद बॉक्स है जो जाएगा मेरी बेगम को, बाकी सब रेडी हो गए हैं। बस इसके ऊपर अब डब्बे लगाते हैं, इनको पैक करते हैं और इनको गाड़ी में डालते हैं। फिर ये डाकू पकड़ा गया रंगे हाथों, डाकू पकड़ा गया कुर्बानी खाते हुए। मैं लोगों को दिखाऊंगा ये डाकू ने कुर्बानी में अटैक किया है। चाची देख लो आप। चलो गाइज जल्दी जल्दी कर लो, हम दोनों थक गए हैं, ठीक है ना। कब मामा पापा जल्दी जल्दी करो, हमें नींद आ रही है। तो जल्दी जल्दी करें प्लीज, जल्दी जल्दी पैक करें, हमने भी जाना भी है, निकलना भी, पैकिंग भी करनी है। जरा क्लैपिंग करके दिखा दे। वाओ वाओ ये क्लैपिंग करता है, थैंक यू। हाँ जी मुझे छोड़ दो। सो गाइस ये स्पेशल डब्बा इकरा के लिए तैयार कर लिया मैंने, ठीक है। ये लेके जाएंगे, बाकी सारे डब्बे मैंने पैक कर लिए हैं। तो भाभी पहले ये करेंगे, इसके बाद फिर अब जाते हैं, अब जाके डब्बे पैकिंग वगैरह करते हैं, फिर निकलना भी तो है ना। लेट हो जाए ना, काम खराब हो जाए। नहीं नहीं ये दूल्हा लेट नहीं होगा इंशाल्लाह। फिर जल्दी से करते हैं, तो गाड़ी में रखते हैं, फिर हम चलते हैं पैकिंग करने, ठीक है। पैकिंग करवानी है आपने मेरे साथ, ठीक है। सो हमने सारे डब्बे जो है वो एक बैग में डाल दिए हैं, वो ये बैग है, इसको आप गाड़ी में रखते हैं और बस फिर निकलते हैं। ये सामान वगैरह हमने गाड़ी में रख दिया, इसको बंद करते हैं, बस अब जाते हैं जल्दी से पैकिंग करते हैं, फिर तैयार शहर होते हैं, फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। सो गाइस अंदर आ गए थे, सामान वगैरह सारा रख लिया, पैकिंग वगैरह कर ली है, बस अभी हम निकलने लगे हैं। सारे सो रहे हैं, इनको उठाया है, सब आ रहे हैं रास्ते में, सब पहुंच रहे हैं, बस अभी निकलना है इकरा वगैरह की तरफ जाएंगे, वो लोग भी वहाँ पे रेडी हैं, तो ठीक है। हम लोगों ने बेसिकली डिसाइड किया कि हम सब इकट्ठे जाएंगे, तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं और फिर आगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। बस अभी नफल वगैरह पढ़ेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह आगे आने वाला दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, नफल अदा करके फिर यहाँ से घर से निकलते हैं। सो इस व्लॉग को यहाँ पे खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।